तो दोस्तों स्वागत है आपका स्टडी आईएएस में और मैं हूं आपका दोस्त आपका एजुकेटर अमन शर्मा। आज का लेक्चर हम लोग हरिवंश राय बच्चन जी की एक सुंदर कविता की पंक्तियों से शुरुआत करेंगे कि तू ना थकेगा कभी, तू ना थमेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। हेलो एवरीवन, स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त आपका एजुकेटर अमन शर्मा और वापस आ गया हूं आप लोगों के लिए द हिंदू की खबरों के साथ। आज डेट है जुलाई 28, 2019 और डे है सुपर संडे। न्यूज़पेपर डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं मैं अकेडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे एक वेरीफाइड एज वेल एज प्लस एडुकेटर हूं। तो अगर आप लोग अकेडमी के प्लस मॉडल की तरफ मूव करना चाह रहे हो और आपको चाहिए एक्स्ट्रा डिस्काउंट या आप लोगों को कोई डाउट है अबाउट दी प्लस प्लेटफॉर्म तो नीचे दिए गए टेलीग्राम लिंक पे मुझसे संपर्क करना ना भूलिएगा। कल मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, कल का सवाल था कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंडियाज पोजीशन इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। अभी हमारे सामने ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2019 आया, उसमें इंडिया की रैंकिंग आई 52 जो कि हमारी यहाँ पर पिछले साल की रैंकिंग से 5 places ऊपर थी। उससे रिलेटेड 3 statements मैंने आप लोगों के लिए सामने रखी थी, तीनों के तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही स्टेटमेंट है, सही जवाब होगा डी ऑल ऑफ दी अबव। आपके लिए आज का सवाल थोड़ा सा ट्विस्टेड है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पर बात हो रही है रेड मड के बारे में। पहली स्टेटमेंट है कि जो रेड मड है इट इज़ अ सॉलिड वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग द एल्यूमिनियम प्रोडक्शन प्रोसेस। जब एल्यूमिनियम को प्रोड्यूस किया जाता है उस समय हमें रेड मड बाहर निकलती हुई नजर आती है, इट इज़ अ सॉलिड वेस्ट जो हमें जनरेट होता हुआ नजर आता है। साथ ही ये एक बहुत बड़ा एनवायरमेंटल कंसर्न है क्योंकि इसके अंदर इम्प्योरिटीज होती हैं सच एज अ कास्टिक सोडा एंड अदर मिनरल्स। दूसरी स्टेटमेंट है कि ग्लोबल जनरेशन ऑफ रेड मड इज मोर देन 150 million tons एंड देयर एग्जिस्ट अ ग्लोबल इन्वेंट्री ऑफ मोर देन 3 billion tons। तीसरी स्टेटमेंट है कि जो रेड मड की जनरेशन है इट हैज़ इंक्रीज्ड अप टू 15 million tons लास्ट ईयर देयर बाय लीडिंग टू इट्स प्रोहिबिशन बाय द नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने इसको प्रोहिबिट कर दिया है। तो आपको बताना है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट है। ऑप्शंस हैं A1 and 2 only, B2 and 3 only, C1 and 3 only या डी ऑल ऑफ दी अबव। जल्दी से अपने अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना। शुरुआत करते हैं आज के द हिंदू की खबरों के साथ। न्यूज़पेपर आज थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है, कारण है कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें आई हैं और मैं नहीं चाहता कि जो भी एग्जाम रिलेवेंट चीज़ें हैं वो आप लोगों के लिए मिस हो। चलिए पेज नंबर 1 पहली खबर मिलती है फिनेंस मिनिस्ट्री नीति आयोग गाइडलाइंस इग्नोर्ड इन एयरपोर्ट प्राइवेटाइजेशन। अब ये जो न्यूज़ है ये असलियत में शुरुआत होती है 2018 से। November 8, 2018 यूनियन कैबिनेट ने यहाँ पर इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया कि हमारे देश के जो 6 airports हैं उनको लीज पे दिया जाएगा। तो यहाँ पर PPP प्रोजेक्ट के अंदर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर उन जो पर्टिकुलर हमारे एयरपोर्ट्स हैं उनको लीज पे दिया जाएगा प्राइवेट कंपनियों को। ओके, और यहाँ पर जिन एयरपोर्ट्स के बारे में बात हुई वो हैं अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ, गुवाहाटी, थिरुवनंतपुरम और मैंगलुरु। ऑल दो आप देखोगे जैसे दिल्ली है, मुंबई है, बैंगलोर है, वहाँ के जो एयरपोर्ट्स हैं वो पहले ही प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा यहाँ पर रन कराए जाते हैं। उसके बाद December 10, 2018 नीति आयोग और DA ने सबमिट किए अपने एक अप्रेजल नोट्स। बेसिकली जब हमारे यहाँ पर यूनियन कैबिनेट ने जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चेयर कर रहे थे उन्होंने डिसीजन लिया था कि 6 airports को यहाँ पर थोड़ा प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर वो लेकर आएंगी। उसके बाद उन्होंने बोला था कि वो यहाँ पर इस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए एक अप्रेजल कमेटी का गठन करेंगे। बोला गया उसका नाम है PPP अप्रेजल कमेटी, जो कि यहाँ पर डिसाइड करेगी कि किस तरीके से प्रोसेस होगा, क्या सारी चीज़ें होंगी। इसके साथ साथ यहाँ पर एक एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज भी बनाया गया था जिसको हेड कर रहे थे CEO ऑफ नीति आयोग विद सेक्रेटरी, मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन सेक्रेटरी थे डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के, सेक्रेटरी थे यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के, जो कि डिसाइड करते थे उन सारे के सारे इश्यूज़ को जो कि यहाँ पर PPAC से बाहर के यहाँ पर स्कोप में पड़ते थे। और यहाँ पर हमारे सामने जो बड़ी चीज़ें आई हैं वो ये है कि यूनियन कैबिनेट ने July 3 को अप्रूव किया लीजिंग ऑफ अहमदाबाद, लखनऊ एंड मैंगलुरु एयरपोर्ट। बट यहाँ पर AI ने
फरवरी 25-26 को डिक्लेयर किया था कि जो अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड है जो कि हाईएस्ट बिडर रही सारे के सारे 6 एयरपोर्ट्स के अंदर, ओके, उनको यहाँ पर एयरपोर्ट्स से प्रोवाइड कर दिए गए। अब यहाँ पर जो बड़ी न्यूज़ आई है वो द हिंदू की एक स्पेशल रिपोर्टर है जिसकी मदद से हमारे सामने आई है कि फिनेंस मिनिस्ट्री ने नीति आयोग ने कुछ रिकमेंडेशन दी थी जिनको यहाँ पर इग्नोर किया गया पीपीपी अप्रेजल कमिटी द्वारा, ओके, गवर्नमेंट बॉन्ड ये पर्टिकुलर कमिटी थी, गवर्नमेंट के ही लोग थे इस पर्टिकुलर कमिटी के अंदर। और यहाँ पे जो की सजेशंस थी जैसे कि यहाँ पर सारे के सारे एयरपोर्ट्स किसी भी एक या फिर या जो दो एयरपोर्ट हैं वो भी किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को ना दिए जाए, इस चीज़ को यहाँ पर इग्नोर किया गया। साथ ही यहाँ पर एक और बड़ा रिकमेंडेशन आया था, की सजेशन आया था बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स एंड नीति आयोग कि जो यहाँ पर आप बिडर्स को सेलेक्ट कर रहे हो उसका क्राइटेरिया आप लोग बेहतर बनाओ, ये यहाँ पर इंक्लूड करना चाहिए कि उनके पास पहले एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी एयरपोर्ट को ऑपरेट करने का, मैनेज करने का, ओके, अपफ्रंट चीज़ें बेटर होनी चाहिए, फिनेंशियल कैपेबल ही होने चाहिए इंटरेस्टेड प्लेयर। हाउएवर जो पीपीएसी का जो यहाँ पर डिसीजन था, बीपीएससी रेफर टू अ डिसीजन टेकन बाय एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज और उन्होंने बोला था कि नो रेस्ट्रिक्शन नीड टू बी प्लेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स टू बी बिड फॉर एंड टू बी अवॉर्डेड टू अ सिंगल एंटिटी। ये यहाँ पर एक कॉपी आई है रिकॉर्ड ऑफ डिस्कशन ऑफ द 85th पीपीपीएसी की जो कि द हिंदू ने यहाँ पर ली है एक सेपरेट नोट के अंदर। नीति आयोग ने इस चीज़ को भी हाईलाइट किया है दैट अ नीड टू हैव प्लेयर्स विद प्रायर ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट एक्सपीरियंस, ये ज़रूरी था और वो यहाँ पर एक क्वालिफिकेशन के रूप में आना था बट उस पर्टिकुलर चीज़ को भी यहाँ पर इग्नोर किया गया PPPSC द्वारा। पेज नंबर 5 की तरफ आगे बढ़ते हैं। CISF launches encyclopedia to strengthen the security services। तो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेज ने लॉन्च किया है एक ऑनलाइन इंसाइक्लोपीडिया जिसका नाम है सिक्योरिटीपीडिया, जिसके अंदर यहाँ पर सिक्योरिटी रिलेटेड जो प्रैक्टिसेज जो पूरी की पूरी दुनिया में चल रही हैं उसकी यहाँ पर एक डिपॉजिटरी एक तरीके से इन्फॉर्मेटरी हम लोग यहाँ पर बना रहे हैं। CISF ने यहाँ पर इस्टेब्लिश किया एक टेक्निकल लैब एट द नेशनल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी अकेडमी हैदराबाद के अंदर टू मेंटेन एंड अपडेट टेक्निकल नॉलेज अबाउट द लेटेस्ट इनोवेशंस जो कि यहाँ पर सेफ्टी और सिक्योरिटी की फील्ड में हो रही है और जो चीज़ें यहाँ पर हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हमारे एयरपोर्ट्स या गवर्नमेंट ऑफिसेस के अंदर भी। जो टेक्निकल लैब्स हैं उनके अंदर डेडिकेटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग है जिसके अंदर कुछ टीम ऑफ ऑफिसर्स हैं जिनका टेक्निकल बैकग्राउंड है, मतलब वो इंजीनियर्स हैं, ओके, जो कि मेंटेन कर रहे हैं कि किस तरीके से अकेडमिक और रिसर्च इंस्टीट्यूशन और प्रोफेशनल एजेंसीज को आपस में लिंक आउट किया जाए। तो आप यहाँ पर देख सकते हो सिक्योरिटीपीडिया एनसाइक्लोपीडिया फॉर CISF एंड प्रोसीड टू सिक्योरिटीपीडिया, तो आप भी इसको खोल के देख सकते हो। पेज नंबर 5 यहाँ पर हमें खबर मिलती है, एक एडवर्टाइजमेंट है, ये एक एडवर्टाइजमेंट है, ये ऐड इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बात कर रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से, ये ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट आया है कि वीमेन पार्टिसिपेशन इन लोकसभा इलेक्शन 2019 हम लोगों को यहाँ पर इंक्रीज होता हुआ नजर आया। अब आपके लिए इसका ये टारगेट इंटरवेंशंस वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट है बिकॉज अगर मेंस में अगर कोई आपसे ये पूछ लेता है कि क्या क्या देश में इंपॉर्टेंट तरीके या प्रोसेसेस या केस ऐसे किए गए हैं जिस वजह से महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़ा है तो आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। तो इस बार यहाँ पर क्या किया गया, डिजाइंड स्पेसिफिकली डिजाइंड टारगेटेड कैंपेन्स चलाई गई, विमेन साइंट्रिक मैसेजेस यहाँ पर आउटडोर और मास मीडिया के अंदर बताए गए, जो न्यूली मैरिड यंग वुमेन्स थी उनको स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई किया गया क्योंकि जब महिलाओं की शादी हो जाती है तो वो एक जगह से दूसरी जगह चली जाती हैं तो उसके बाद कहीं ना कहीं इलेक्शन प्रोसेस के अंदर उनका पार्टिसिपेशन कम हो जाता है, ओके, बिकॉज यहाँ पर इलेक्शन कार्ड को शिफ्ट कराना और बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं। इसके साथ साथ जो जेंडर गैप्स हैं वोटर रजिस्ट्रेशन के अंदर उसको कम करने के लिए डोर टू डोर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई, मोटिवेशन दी गई आशा और आंगनवाड़ी वर्कर्स शिक्षा मित्र द्वारा ग्राउंड लेवल पे। इसके साथ साथ जो और स्टेक होल्डर्स थे जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं कोऑपरेटिव्स हैं महिलाओं की उनको भी यहाँ पर पार्टनरशिप में लाया गया, उनको एनकरेज किया गया, साथ ही ईज़ ऑफ वोटिंग का प्रोसेस यहाँ पर लेकर आए। ये ईज़ ऑफ वोटिंग का प्रोसेस यहाँ पर गांव वाले इलाकों में रूरल एरिया में बहुत बेहतरीन रहा है जिस वजह से महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़ा है कि महिलाओं की कतार अलग होगी और यहाँ पर पुरुषों की कतार अलग होगी, ओके, लाइन्स डिफरेंट होगी, ओके, टॉयलेट अरेंजमेंट किए गए, उनके लिए क्रचेज अरेंज किए गए जो महिलाओं के छोटे बच्चे हैं और खुद यहाँ पर कुछ महिला वॉलंटियर्स डिप्लॉय किए गए स्पेसिफिकली पोलिंग स्टेशन के अंदर, तो ये बेटर चीज़ थी जो कि यहाँ पर किया गया। नेशनल स्टेट आइकन और रोल मॉडल्स यहां पर कुछ पॉपुलर विमेन फेसेस को बनाया गया जो कि यहां पर अपने आप में विमेन एम्पावरमेंट की एक बहुत ही बड़ी मिसाल है जैसे MC मैरी कॉम और साइना नेहवाल,
ओके, ऑल दो आजकल जिनका नाम यहाँ पर छाया हुआ है मीडिया के अंदर वो हैं हिमा दास. ओके, सो इंक्रीज इन एनकरेजमेंट ऑफ वुमेन, तो क्योंकि एनकरेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. कुछ वुमेन स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ की गई, रंगोली, ग्रुप सॉन्ग्स, कॉम्पिटिशन एटसेट्रा, उनके इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए. तो एक एडवर्टाइजमेंट था जिससे आप लोग पॉइंट्स यहाँ पर ड्राइव कर सकते थे. आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 7 की तरफ. खबर मिलती है नागालैंड फॉर्म पैनल टू फ्रेम RIIN मोडेलिटीज. तो मैंने आपको RIIN के बारे में बताया था. व्हाट इज RIIN? RIIN इज रजिस्टर ऑफ इंडिजीनियस इनहैबिटेंट्स ऑफ नागालैंड. जिस तरीके से देश में NRC हो रहा है, ओके, असम के अंदर NRC हो रहा है, उसी तरीके से नागालैंड भी NRC की तर्ज पर लेकर आया है RIIN. बट ये बिल्कुल अलग है NRC से, बिकॉज NRC के अंदर तो पूरा डिपोर्टेशन वाला प्रोसेस है, इसके अंदर उस तरीके का प्रोसेस नहीं है. बेसिकली पहले ही वार्ड लेवल पे या विलेज लेवल पे यहाँ पे जो इंडिजीनियस जो ट्राइब्स हैं, जो यहाँ पर इंडिजीनियस लोग हैं, उनको पहले ही नागालैंड के अंदर उनकी एक लिस्ट बनाई जाती थी. अब उसकी एक मास्टर लिस्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको लिंक कर दिया जाएगा इनर लाइन परमिट ILP के साथ. ओके, तो ये एक बड़ी चीज़ है जिस वजह से यहाँ पर RIIN इम्पॉर्टेंट हो जाता है. अब नागालैंड ने यहाँ पर एक फैसला लिया था कि इससे पहले वो एक कमेटी का गठन करेंगे, एक कमीशन का गठन करेंगे, जो कि यहाँ पर देखेंगे कि क्या क्या रूल्स होंगे, रेगुलेशन होंगे, बाकी सारी चीज़ें क्या होंगी RIIN को यहाँ पर एक रियलिटी में लेकर आने के लिए. तो नागालैंड सरकार ने यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूट की है एक कमीशन टू फ्रेम दी मोडालिटीज ऑफ क्रिएटिंग दी रजिस्टर ऑफ इंडिजीनियस इनहैबिटेंट्स ऑफ नागालैंड. नोटिफिकेशन का यहाँ पर ये कहना है कि जो कमीशन है वो रिकमेंड करेंगी कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होंगे इंडिजीनियस इनहैबिटेंट होने के. एंड जो डॉक्यूमेंट होगा, इट इज़ टू बी एक्सेप्टेड एज अ प्रूफ फॉर बीइंग एन इंडिजीनियस इनहैबिटेंट. ओके, किस तरीके से यहाँ पर एक्सरसाइज कंडक्ट होगी, क्या क्या यहाँ पर रूल्स होंगे, नॉर्म्स होंगे, वो सब चीज़ें यहाँ पर बताएंगे. और जो पैनल होगा वो अपनी रिपोर्ट 3 महीने के अंदर अंदर सबमिट करेगा. जो कमीशन होगी उसको हेड करेंगे रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी बुनाओ जेड जमीर एज दी चेयरमैन, और यहाँ पे टी के हितो सेमा और एस चिंगवांग कॉन्योक एज मेंबर्स होंगे. ओके, जस्टिस जो जेलरी अंगामी हैं, ही विल फंक्शन एज दी एडवाइजर टू दी कमीशन. और होम कमिश्नर और कमिश्नर ऑफ नागालैंड यहाँ पर एक्स ऑफिशियो मेंबर के रूप में यहाँ पर एड ऑन होंगे इस पर्टिकुलर कमीशन के. नागालैंड सरकार है उसने RIIN का प्रोसेस यहाँ पर July 10 से यहाँ पर चालू कर दिया है. तो RIIN वुड प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू जेन्युइन सिटीजन्स, जो जेन्युइन सिटीजन्स हैं, जो कि परमानेंट सेटलर्स हैं नागालैंड के, और जो नॉन नागाज हैं, इफ दे विल नॉट बी हराज ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर लिस्ट. ऐसा यहाँ पर चीफ मिनिस्टर न्यूफ्यू रियो द्वारा यहाँ पर बोला गया. इसके साथ साथ June 29 को यहाँ पर जो नागालैंड सरकार का नोटिफिकेशन आया था उसके हिसाब से जो RIIN है वो हेल्प करेगा सिटीजन को आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन कौन यहाँ पर नागालैंड के वो लोग हैं जो कि December 1, 1963 से पहले नागालैंड के अंदर सेटल हो गए थे. December 1, 1963 वो दिन है जिस दिन यहाँ पर नागालैंड एक फुल फ्लेश्ड इंडियन स्टेट बना था. आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ. पेज नंबर 8 पे आपको एक सुंदर तस्वीर मिलती है. उम्मीद है आप लोगों की स्क्रीन पे भी उतनी ही सुंदर लग रही होगी. यहाँ पर आप लोगों को जो फॉल दिखाई दे रहा है उसको आप लोग प्यार से जॉग फॉल्स के नाम से जानते हो, जो कि शरावती रिवर के ऊपर है और शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट जो है कर्नाटका का, वहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा. जो व्यू है फ्रॉम दी जॉग फॉल्स फॉलिंग पॉइंट इज लोकेटेड नियर दी इन सागरा कर्नाटका. जो जॉग फॉल्स है इट इज ऑल्सो कॉल्ड विद दी नेम्स ऑफ गिरोसोपे फॉल्स, जोगा जलपदा, जोगाड़ा गुंडी, इनके नाम से भी रीजनल कन्नड़ लैंग्वेज में इस पर्टिकुलर फॉल को पहचाना जाता है. ये सेकेंड हाइएस्ट वाटरफॉल है हमारे देश का. तो यहाँ पर एक बड़ा सवाल आ जाता है कि हाइएस्ट वाटरफॉल कौन सा है हमारे देश का. तो हाईएस्ट जो वाटरफॉल है उसका नाम है कुंचिकाल फॉल. ओके, जो कुंचिकाल फॉल है वो भी कर्नाटका के अंदर ही है और वो वराही नदी की वजह से यहाँ पर, ऑन दी वराही नदी द्वारा यहाँ पर कुंचिकाल फॉल फॉर्म आउट किया जाता है. मूविंग ऑन पेज नंबर 9, खबर मिलती है सेंटर टू लॉन्च डीप ओशन मिशन इन अक्टूबर. तो यहाँ पर अब 5 ईयर 8,000 करोड़ रुपीज़ का, 5 साल 8,000 करोड़ रुपये का प्लान यहाँ पर सामने आया है टू एक्सप्लोर द डीपेस्ट रिसेशन ऑफ द ओशन. तो जो हमारे जो ओशन फ्लोर्स होते हैं उसके सबसे नीचे वाली सतह पर जो हम लोगों को यहाँ पर कुछ पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स, यहाँ पर कंपोजिशन ऑफ बिग बिग मिनरल रॉक्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं, उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है. उनको यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करके हम लोग कई चीज़ों में उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, एज वेल एज एनर्जी जनरेशन में भी यूज़ कर सकते हैं. उस पर्टिकुलर प्रोग्राम को सरकार की हरी झंडी मिल गई है.
जो डीप ओशन मिशन है दिस विल बी लेड बाय यूनियन अर्थ साइंस मिनिस्ट्री जो अक्टूबर 31 से यहां पर चालू हो जाएगा. जो की डिलीवरेबल्स हैं दे आर एन ऑफशोर डीसेलिनेशन प्लांट दैट विल वर्क विद टाइडल एनर्जी और यहां पर डेवलप किए जाएंगे कुछ सबमर्सिबल व्हीकल्स जो कि बिल्कुल डेप्थ में जा सकेंगे ऑफ एटलीस्ट 6000 मीटर्स विथ 3 पीपल ऑन बोर्ड और वहां से फिर हम लोग चीज़ों को एक्सट्रैक्ट कर सकेंगे. अब दोस्तों यहाँ पर जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो इनकम्प्लीट है तो मैं आपको यहाँ पर पिछली कुछ चीज़ों से रिलेट कराऊंगा. 2017 की बात है 21st of August प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का ये आर्टिकल है जहाँ पर आपको एक खबर मिली इंडियाज एक्सक्लूसिव राइट टू एक्सप्लोर पॉलीमेटेलिक नॉड्यूल्स फ्रॉम सेंट्रल इंडियन ओशन सी बेड बेसिन एक्सटेंडेड बाय 5 years. तो सेंट्रल सी बेड जो इंडियन ओशन है वहाँ पर इंडिया के पास जो राइट्स थे पॉलीमेटेलिक नॉड्यूल्स को एक्सट्रैक्ट करने के वो ख़त्म हो गए थे और फिर यहाँ पर एक बड़ा डिसीजन आया कि इंडिया के जो एक्सक्लूसिव राइट्स हैं उनको 5 साल और यहाँ पर एक्सटेंड कर दिया जाए. अब ये जो राइट्स थे दे आर ओवर 75,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया जो कि इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर पड़ता है और इंटरनेशनल सीवेज अथॉरिटी ने यहाँ पर ये इंडिया को दिया फॉर द डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ ऑफ पॉलीमेटेलिक नॉड्यूल्स. जो एस्टिमेटेड पॉलीमेटेलिक नॉड्यूल रिसोर्सेज की पोटेंशियल है इस एरिया के अंदर वो अराउंड 380 मिलियन टन्स की है जिसके अंदर 4.7 मिलियन टन्स ऑफ निकल हो सकता है 4.29 मिलियन टन्स ऑफ कॉपर 0.55 मिलियन टन्स ऑफ कोबाल्ट एंड 92.59 मिलियन टन्स ऑफ मैंगनीज. इसको यहाँ पर अप्रूव किया गया था August 18, 2017 को इंटरनेशनल सीवेज अथॉरिटी के 23rd सेशन के अंदर. इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर यह है कि इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री टू हैव रिसीव द स्टेटस ऑफ पायोनियर इन्वेस्टर इन 1987 और इंडिया को एक्सक्लूसिव राइट्स प्रोवाइड किए गए थे इन द सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन बाय द यूनाइटेड नेशन फॉर एक्सप्लोरेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर नॉड्यूल्स. ये जो नॉड्यूल्स हैं ये जो बड़े बड़े मिनरल वाले पत्थर हैं इनके एक्सप्लोरेशन इनके यूटिलाइजेशन के इंडिया को राइट्स प्रोवाइड किए गए थे. इंडिया उन 8 देशों 8 कॉन्ट्रैक्टर में से है जो कि यहाँ पर एक लॉन्ग टर्म प्रोग्राम इंप्लीमेंट कर रहे हैं पॉलीमेटेलिक नॉड्यूल्स को यहाँ पर यूटिलाइज करने का और हमारे लिए ये काम करती है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस जिसके अंदर वो सर्वे करते हैं एक्सप्लोरेशन करते हैं एनवायरमेंटल स्टडीज़ करते हैं टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट करते हैं. यहाँ पर जो एक्सट्रैक्शन होती है इन मेटल्स की फ्रॉम द पॉलीमेटेलिक नॉड्यूल्स जो कि बिल्कुल डीप फ्लोर सी बेसिन पे हैं उनको आइडेंटिफाई करना और यहाँ पर साइट्स को आइडेंटिफाई करना फिर यहाँ पे डीप सी माइनिंग करना ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है. तो हम लोगों ने यहाँ पर एक रिमोट ऑपरेबल सबमर्सिबल भी बनाई रोज सब 6000 जिसकी कैपेसिटी है कि वो 6000 मीटर यहाँ पर पे ऑपरेट कर सकती है. उसको डेवलप किया गया है टेस्ट किया गया है सक्सेसफुली एट द डेप्थ ऑफ 5289 मीटर ओके रिमोटली यहाँ पे वर्क करती है. तो माइनिंग सिस्टम यहाँ पर इंक्लूड किया गया ओके तो ये चीज़ आपके लिए थी. इसके साथ साथ इंटरनेशनल सीवेज अथॉरिटी एक यूनाइटेड नेशन की बॉडी है जिसको यहाँ पर रेगुलेट करने के लिए जो चीज़ें होती हैं एक्सप्लोरेशन या एक्सप्लोटेशन ऑफ मैरीन नॉन लिविंग रिसोर्सेज जो कि हमारे इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर हैं वो किस तरीके से यहाँ पर ऑपरेट हों इसके लिए ISA को बनाया गया था इंटरनेशनल सीवेज अथॉरिटी को बनाया गया था ओके. आपको बता दूं 2016 के अंदर इंडिया को रिलेक्ट किया गया था एज द मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ द ISA और इंडिया के जो नॉमिनी हैं ऑन द लीगल एंड टेक्निकल कमीशन एंड फाइनेंशियल कमेटी ऑफ द ISA उनको भी 2016 के अंदर इलेक्ट किया गया था. तो ये आपके लिए स्पेशल चीज़ें थी कि आपको किस तरीके से चीज़ें लिंक करनी है. 2017 का आर्टिकल था जो आज यहाँ पर आपके लिए काम आया है. आगे बढ़ते हैं पेंटागन नॉट फॉर मिलिट्री सेल्स टू इंडिया एंड पाकिस्तान. तो US का जो स्टेट डिपार्टमेंट है उसने डिसाइड किया कि वो अप्रूव करेंगे एक फॉरेन मिलिट्री सेल इंडिया के लिए C-17 एयरक्राफ्ट को फॉलो ऑन सपोर्ट एट एन एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ $670 मिलियन. यहाँ पर ये खबर आई है अकॉर्डिंग टू द डिफेंस सिक्योरिटी कोऑपरेशन एजेंसी. जो एजेंसी है उसने यहाँ पे डिलीवर किए यहाँ पे कुछ कि कुछ रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट होंगे नोटिफाइंग द US कांग्रेस ऑफ दिस पॉसिबल सेल ऑन July 26. हाउएवर ये जो नोटिफिकेशन है पोटेंशियल सेल का उसका मतलब ये है कि द सेल हैज़ बीन कंक्लूडेड. जो इम्प्लीमेंटेशन है यहाँ पर इस प्रपोज सेल की इट विल रिक्वायर द असाइनमेंट ऑफ 1 US गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स और 23 कॉन्ट्रैक्टर्स होंगे जो कि इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे. जो बोइंग C-17 है वो बहुत बड़ा और लॉन्ग हॉल मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है जिसको हम लोग यहाँ पर लेने की बात कर रहे हैं. साथ ही यहाँ DSCA ने यहाँ पर नोटिफाई किया कांग्रेस को कि यहाँ पर जो डिसीजन है जो अप्रूव किया गया है मिलिट्री सेल वर्थ ₹125 मिलियन उसकी वजह से क्या होगा जो F-16 फाइटर जेट्स हैं पाकिस्तान के उनको मॉनिटर किया जाएगा. तो एक और यहाँ पर एक अलग से डिसीजन लिया गया है. FMS सेल का ये मतलब है कि पाकिस्तान विल बी पेइंग फॉर इट. पाकिस्तान इनके लिए यहाँ पर पे करेगा. द मनी विल बी यूज टू पे 60 US कॉन्ट्रैक्टर्स ऐसा यहाँ पर डिप्लोमेटिक सोर्सेज का कहना है
ओके, तो इंडिया नीड्स अ फॉलो ऑन सपोर्ट टू मेंटेन इट्स ऑपरेशनल रेडीनेस, यहाँ पे एबिलिटी टू प्रोवाइड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ असिस्टेंस इन द रीजन, साथ ही इंडिया विल हैव नो डिफिकल्टी एब्जॉर्बिंग दिस सपोर्ट इनटू इट्स आर्म फोर्सेस, ऐसा यहाँ पर DSCA का कहना है। तो एक इंपॉर्टेंट खबर है जो हमारे लिए सामने आई। आगे बढ़ते हैं फॉरन वाले यहाँ पर पेज के अंदर, खबर आई है यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन से रिलेट करते हुए कि उनके सामने यहाँ पर क्या क्या बड़े बड़े चैलेंजेस हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कशन में ले लिए थे। तो आप इसको पॉज करें, इन कुछ चीज़ों को पढ़ें कि ब्रेक्जिट वाला बड़ा चैलेंज है, अगर नो डील पे जाएंगे तो क्या होगा। ओके, तो ये जनरल चीज़ें हैं जो कि हम लोग लगातार डिस्कशन में ले रहे हैं। आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 12, US गौटेमाला साइन असाइलम डील। तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर अनाउंस किया कि एक असाइलम एग्रीमेंट साइन आउट हो चुका है, रीच हो चुका है गौटेमाला के साथ। अब यहाँ पर ये जो असाइलम एग्रीमेंट है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। असाइलम का मतलब होता है एक प्रोटेक्शन यहाँ पर, जो कि कोई भी एक पर्टिकुलर स्टेट किसी भी व्यक्ति को ग्रांट करती है एज अ पॉलिटिकल रिफ्यूजी, जिसने अपनी खुद का देश छोड़ के दूसरे देश के अंदर एंट्री ले ली है, उसको अगर यहाँ पर एक जगह देती है रहने के लिए तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या कि असाइलम प्रोवाइड की है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड की है। तो यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स ने यहाँ पर किया है गौटेमाला के साथ एक असाइलम डील साइन। व्हाइट हाउस सेड गौटेमाला वुड नाउ बी कंसीडर एज अ सेफ थर्ड कंट्री, एक सेफ थर्ड कंट्री के रूप में यहाँ पर गौटेमाला को माना जाएगा। मीनिंग दैट कि US बाउंड जो माइग्रेंट्स हैं जो कि गौटेमाला एंटर करेंगे, दे वुड रिक्वायर टू सीक असाइलम देयर इंस्टेड। डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि जो डील है वो यहाँ पर सेफ्टी प्रोवाइड करेगा टू लेजिटिमेट असाइलम सीकर्स एंड स्टॉप असाइलम फ्रॉड इन दिस पर्टिकुलर रीजन। आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है थोड़ी सी मैपिंग करना। ये आप देख सकते हो, ये वाला रीजन है US का। ओके, ये सारा का सारा पोर्शन नॉर्थ अमेरिका का आता है, ये है मेक्सिको, और यहाँ पर आप देख सकते हो ये है यहाँ पर गौटेमाला, गौटेमाला की कैपिटल भी गौटेमाला ही है। ओके, और यह है बेलीजे। ओके, एंड दिस इज अ गल्फ ऑफ मेक्सिको एंड नॉर्थ पैसिफिक ओशन। मूविंग ऑन पेज नंबर 13, खबर मिलती है मॉडल टेनेंसी एक्ट विल रीबिल्ड ट्रस्ट बिटवीन ओनर्स एंड टेनेंट्स। तो मॉडल टेनेंसी एक्ट 2019 यहाँ पर ड्राफ्ट कर लिया है यूनियन मिनिस्ट्री फॉर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट ने, जो कि यहाँ पर ओनर्स को भी और टेनेंट्स को, किराएदार को भी और मकान मालिक दोनों को यहाँ पर बेनिफिट प्रोवाइड करेगा। और इसकी वजह से जो हाउसिंग स्टॉक है जो कि यहाँ पर लोग घर खरीद खरीद के रख लेते हैं, वो जल्द से जल्द यहाँ पर रेंटल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल हो पाएंगे। इस पर्टिकुलर टेनेंसी एक्ट के मैंने कुछ स्पेशल फीचर्स आपके लिए लिस्ट आउट किए हैं, दीज आर नॉट इन द न्यूज़पेपर। तो यहाँ पर जो MTA है, मॉडल टेनेंसी एक्ट है, वो स्टिपुलेट करेगा कि एक ग्रेवियंस रेजिस्ट्रेशन मैकेनिज्म हो जिसके अंदर रेंट अथॉरिटी हो, रेंट कोर्ट हो, रेंट ट्राइब्यूनल हो, जिससे चीज़ें जल्दी से सॉल्व हो सके। तो यहाँ पे जो लैंडलॉर्ड है, ही विल ऑल्सो बी एबल टू चार्ज रेंट दैट आर टू बी डिसाइडेड बाय द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट, और ये मार्केट रेट के हिसाब से यहाँ पर रेंट को चार्ज किया जाएगा। ऑल्सो ये भी यहाँ पर प्रपोज किया गया है कि जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है उसके ऊपर एक कैपिंग लगाई जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने का रेंट ही सिक्योरिटी डिपॉजिट हो सकता है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पे, और कम से कम 1 महीने का रेंट इन द केस ऑफ नॉन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। जब ये इन्फोर्स आ जाएगा तो कोई भी ऐसा पर्सन नहीं बचेगा टू टेक ऑन रेंट एनी प्रमाइसेस एक्सेप्ट बाय एन एग्रीमेंट इन राइटिंग। जब तक एग्रीमेंट नहीं होगा इन राइटिंग, कोई भी आप किसी भी अपने घर को, कमरे को किराए पे नहीं दे सकते हो। जो मॉडल एक्ट है वो प्रोवाइड करता है फॉर इट्स एप्लीकेबिलिटी फॉर द होल ऑफ द स्टेट, अर्बन के साथ साथ रूरल एरिया को भी यहाँ पर कवर किया जा रहा है। साथ ही यहाँ पर मैंडेटरी किया गया है लैंडलॉर्ड के लिए भी, टेनेंट के लिए भी, कि वो यहाँ पर रेंट अथॉरिटी को इन्फॉर्म करेंगे आफ्टर गेटिंग इनटू एन एग्रीमेंट। इससे यहाँ पर जो लैंडलॉर्ड होगा वो आर्बिट्रेरली यहाँ पर रेंट इंक्रीज नहीं कर सकता, और यहाँ पर जो टेनेंट है वो जबरदस्ती यहाँ पर अपना कब्जा नहीं जमा सकता। यहाँ पर जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसको सेटअप किया जाएगा लोकल वर्नाकुलर लैंग्वेजेस के अंदर, जिससे टेनेंसी जो एग्रीमेंट है वो लोकल लैंग्वेज के अंदर भी हो। जो MTA है, मॉडल टेनेंसी एक्ट है, इट विल बी एप्लीकेबल प्रोस्पेक्टिवली एंड विल नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टिंग टेनेंसी। जो एग्जिस्टिंग रह रहे हैं उनको इंपैक्ट नहीं करेगा, जो आगे आने वाले हैं उनको यहाँ पर इंपैक्ट करने वाला है। चलिए FAQ की तरफ आगे बढ़ते हैं, सबसे इंटरेस्टिंग पोर्शन, व्हाई डज इंडिया से नो टू कश्मीर मीडिएशन। यहाँ पे मैं आपको एक कहानी की तरह पढ़ाऊंगा कि कहानी में आप सुनते जाना कि क्या क्या हुआ है, बाकी चीज़ें आपके लिए स्क्रीन पे लिखी हुई हैं। देखो, कहानी स्टार्ट होती है यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के उस बड़े शब्दों से जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, उनसे बातचीत करते हुए कहे, उनसे बातचीत करते हुए बोला डोनाल्ड ट्रंप ने कि ओसाका के अंदर जो अभी G20 समिट चल रही थी वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप से मिले, और डोनाल्ड ट्रंप को बोला कि आप मध्यस्थता करो जम्मू कश्मीर वाले मुद्दे के अंदर। इसी चीज़ को डोनाल्ड ट्रंप ने कहा,
ऑल दो यहाँ पर ऐसी कोई भी बात नहीं हुई थी प्रधानमंत्री मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में, इस चीज़ को हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने भी रिजेक्ट कर दिया। यहाँ पर इंडिया ने एक चीज़ साफ कर दी है कि हम अपने पुराने डिसीजन पर बिल्कुल कमिटेड हैं कि जो भी इशू यहाँ पर पाकिस्तान और इंडिया के बीच में होगा उसको हम लोग सिर्फ और सिर्फ बायलेटरली ही सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर तीसरा देश बीच में आकर इंडिया और पाकिस्तान के जो मुद्दे हैं उनको सुलझाने की कोशिशें ना करें। अब यहाँ पर बैक स्टोरी क्या है कि यूएस किस तरीके से मीडिएशन ऑफर कर रहा है। देखो 1993 के अंदर जब यूएस प्रेसिडेंट थे बिल क्लिंटन, उन्होंने डिसाइड किया था कि वो भी कश्मीर इशू के अंदर बीच में कूद पड़ेंगे, बीच में वो यहाँ पर इंटरफेयर करेंगे। फिर यूएन जनरल असेंबली ने इन सितंबर क्लिंटन ने बोला कि यहाँ पर जो सिविल वॉर्स हैं अंगोला के अंदर, कैनकसस के अंदर, कश्मीर के अंदर, उसको ख़त्म करने की भी कोशिश करेंगे। एज वेल एज यूएस के असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रॉबेल रफेल ने भी यहाँ पर सवाल उठाए कि कश्मीर के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन है जो कि राजा हरि सिंह ने यहाँ पर साइन आउट किए थे उसकी यहाँ पर क्या वैलिडिटी है। अभी रिसेंट इवेंट हुआ था, यूनियन मिनिस्टर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड सिविल एविएशन हरदीप पुरी जी का, उन्होंने यहां पर बोला कि इंडिया ने उस समय भी बहुत तगड़ी तरीके से यहां पर प्रोटेस्ट सामने रखा था। डायरेक्टली यहां पर उस समय जो हरदीप पुरी जी थे वो जॉइंट सेक्रेटरी थे अमेरिका के, और अमेरिका मतलब इंडिया की तरफ से जॉइंट सेक्रेटरी थे, उन्होंने कॉल मिलाई थी यहां पर अमेरिका को और बोला था पीवी नरसिम्हा राव जो उस समय प्राइम मिनिस्टर थे उनकी तरफ से कि बिल्कुल भी यूएस इंटरफेयर ना करे और अपने शब्दों को सही तरीके से तोल मोल के सामने रखे। तो इंडिया को भी उसी तरीके से अब भी एक थोड़ा सा फर्म दिखाना चाहिए। इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने एक बॉम्ब यहां पर छोड़ दिया है इंडिया और पाकिस्तान के जो बातचीत है उनके बीच में। अब इंडिया बार बार रिफ्रेन क्यों करता है, इंडिया क्यों यहां पर हेल्प नहीं लेता? देखो इंडिया की जो पोजीशन है वो बिल्कुल फिक्स है, क्योंकि हम लोग हिस्टोरिकली बहुत ज़्यादा सस्पिशन में रहते हैं। 1950s और 1960s की अगर हम लोग बात करें, यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड बैंक, यूएस, यूके, रशिया सब ने कोशिशें कर ली हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच में यहाँ पर मध्यस्थता करने की, बट सब हुए हैं फेल। एक अनसक्सेसफुल यहाँ पर अटैम्प्ट रहे हैं। ऑल दो अटैम्प्ट यहाँ पर आप कह सकते हो जो सक्सेसफुल रहे वो सिर्फ इसी चीज़ में रहे कि टेंशन थोड़ी कम हो गई, लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जो हॉस्टैलिटीज़ हैं वो कम हो गई, इंटरनेशनल बॉर्डर्स यहाँ पर मेंटेन रहे। ओके बट हम भी ये चाहते हैं, इंडिया भी चाहता है कि सब चीज़ें पीसफुली हो, बट हम ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे कि किसी भी हालत में यहाँ पर पाकिस्तान हमारे जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर यहाँ पर कब्जे की बात करे, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर के राजा हरि सिंह ने यहाँ पर खुद यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसोसिएशन साइन करके इन डोमिनियन ऑफ इंडिया को यहाँ पर प्रोवाइड किया था जम्मू कश्मीर का यहाँ पर पूरे का पूरा हिस्सा। एक और बड़ा रीज़न है कि इंडिया अपने आप को एक रीजनल लीडर की तरह मानता है। हम लोग यहाँ पर एक रीजनल लीडर हैं भी, जिस तरीके से इंडिया ने अपने आप को प्रूव किया है। वी डोंट वांट अ मीडिएशन फेवर फ्रॉम अदर कंट्री, हम नहीं चाहते कि कोई दूसरा देश हमारे ऊपर आके यहाँ पर फेवर करे। देखो यूएन पहले भी मीडिएट करने की यहाँ पर जो प्रोसेस है वो चालू कर चुका है, क्योंकि यहाँ पर एक गलती हो गई थी और यहाँ पर यह हुआ था कि इंडिया इस पर्टिकुलर पूरे के पूरे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाले मुद्दे को, क्योंकि पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाई किया था पीओके वाला एरिया, हम लोग उसकी कंप्लेंट लेकर गए थे यहाँ पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के पास January 1, 1948 को। उसके बाद यूनाइटेड नेशन ने यूनाइटेड नेशंस कमीशन फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान यहाँ पर सामने रख दी थी, उन्होंने बना दी थी, और जिन्होंने यहाँ पर मीडिएशन का प्रोसेस चालू किया था। अब मीडिएशन का प्रोसेस यहाँ पर 3 पॉइंट एजेंडा पे वर्क करता था जो कि यूनाइटेड नेशन ने बोला था। फर्स्ट पॉइंट एजेंडा, जो पहला यहाँ पर बड़ा पॉइंट था, वो ये था कि जो पाकिस्तानी जो यहाँ पर जो लोग हैं, जो मिलिट्री हैं उनकी, जो कश्मीर रीजन को घेरे बैठी हैं, वो डिलिमिलिटराइज करेंगी, वो अपने यहाँ पर जो मिलिट्री हैं उसको वापस लेकर जाएंगी, पूरे एरिया को शांत कर देंगी। पाकिस्तान ने आज तक ऐसा नहीं किया है। उसके बाद का प्रोसेस था कि इंडिया रिड्यूस करेगी, इंडिया को हटानी नहीं थी मिलिट्री, इंडिया को बस मिलिट्री की प्रेजेंस कम करनी थी, रिड्यूस कर रही थी। और इसके बाद यहाँ पर एक प्लेबिसाइट होना था, ओके, कि कश्मीर के लोग जो चाहेंगे उस हिसाब से काम आए। तो 3 पॉइंट एजेंडा था जो कि UNCIP ने सामने रखा था। डील कभी भी सामने नहीं आई, क्योंकि पाकिस्तान कभी भी एग्री नहीं हुई अपनी यहाँ पर मिलिट्री को बाहर ले जाने से, और इंडिया ने भी यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं किया प्लेबिसाइट वाला इशू, बिकॉज हम लोग पहले ही इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसोसिएशन साइन करा चुके हैं। तो UNCIP अनसक्सेसफुल रहा था इंडिया मीडिएटिंग ऑफ सीज फायर इन 1949। ऑल दो नेगोशिएशंस यहाँ पर ज्योग्राफिकल लोकेशन के ऊपर हुए थे, इस सीज फायर लाइन के ऊपर, जिसको बोला गया था कि यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन इंडिया एंड पाकिस्तान ही उन चीज़ों को ऑब्जर्व करेगा। आप इसको याद रखना, यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन इंडिया एंड पाकिस्तान क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा। अब यहाँ पर उसके बाद इंडिविजुअल जो थे यूएन रिप्रेजेंटेटिव्स वो 1949 से 1953 तक बार बार विजिट करते रहे, बट यहाँ पर एक शांति का माहौल बनाने में, दोनों देशों को यहाँ पर पटाने में फेल रहे।
तो पहले यूनाइटेड नेशन रिप्रेजेंटेटिव फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान थे, उनको अपॉइंट किया गया इस पर्टिकुलर डिस्प्यूट के लिए, वो थे सर ओवेन डिक्सन जो कि ऑस्ट्रेलियन जूरिस्ट थे। उसके बाद यहाँ पे फ्रैंक ग्रामिन भी आए जो कि अमेरिकन डिप्लोमेट थे। ओके, अब उन्होंने अपना प्रपोजल सामने रखा, बट दिल्ली और कराची दोनों ने ही यहाँ पर अब इस पर्टिकुलर प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था। बस एक एक्सेप्शन यहाँ पर रहा था 1960 के अंदर, वर्ल्ड बैंक ने जब यहाँ पर इंडस वाटर ट्रीटी यहाँ पर नेगोशिएट कराई थी। इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर जो ईस्टर्न रिवर हैं, ओके, बेसिकली जो ब्यास है, सतलुज है और रावी है, वो उसका हिस्सा यहाँ पर इस्तेमाल करने के लिए इंडिया को दिया गया था। इंडस, चेनाब और झेलम का पाकिस्तान को दिया गया था। ऑल्दो इंडस, चेनाब और झेलम का यहाँ पर अराउंड 20% हिस्सा इंडिया इस्तेमाल कर सकता है फॉर द एग्रीकल्चर, यहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर या पावर जनरेशन पर्पजेस के लिए। ओके, सोवियत यूनियन ने भी यहाँ पर मॉडरेट करने की कोशिश की थी, प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान प्रेसिडेंट अयूब खान के बीच में 1965 के अंदर यहाँ पर ताशकंद पीस एग्रीमेंट हुआ था। बट द ट्रीटी वॉज ऑलवेज बिन मार्क्ड बाय सस्पिशन एंड डाउट, बिकॉज यहाँ पर फिर रवि शास्त्री जी की लाल बहादुर शास्त्री जी की सडन डेथ हो गई थी एट द ताशकंद। अब यहाँ पर एक बड़ा सवाल आता है कि विल इंडिया रिमेन अपोज्ड टू द मीडिएशन, क्या है इंडिया हमेशा इस मीडिएशन के खिलाफ रहेगा। देखो, पाकिस्तान से हम लोगों ने लड़ाई जीती थी 1972 के अंदर और बांग्लादेश को एक अलग देश बनवाया था भारत ने, और उस समय शिमला एग्रीमेंट यहाँ पर नेगोशिएट किया गया था। शिमला एग्रीमेंट के अंदर इंडिया चाहता तो यहाँ पर हम लोग आधा पाकिस्तान ले सकते थे, बट इंडिया ने यहाँ पर रिलैक्स किया, हम लोगों ने पाकिस्तान के ऊपर कोई भी हार्श डिसीजन नहीं लिया और ना ही कोई कड़े कदम यहाँ पर उठाए गए। ऑल दो यहाँ पर जितने भी प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे उनको छोड़ने का इंडिया ने यहाँ पर फैसला लिया। बट यहाँ पर एक बड़ी चीज़ थी, जो यहाँ पर एक सीज फायर लाइन थी उसको यहाँ पर LOC लाइन ऑफ कंट्रोल के अंदर यहाँ पर ट्रांसफॉर्म करने में इंडिया कामयाब रहा। और पीछे जो मैंने आपको एक कमीशन के बारे में बताया था, उस कमीशन को यहाँ पर गायब करने में इंडिया यहाँ पर कामयाब रहा। फरवरी 1999 में लाहौर डिक्लेरेशन भी साइन आउट हुआ था नवाज शरीफ और अटल बिहारी वाजपेयी के बीच में कि यहाँ पर जो बायलेटरल नेचर से ही हम लोग यहाँ पर इश्यूज़ को रिजॉल्व करेंगे जो भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में होंगे। तो इंडिया ये चाहता है कि जो शिमला एग्रीमेंट हो, जो लाहौर डिक्लेरेशन हो, उन्हीं के बेसिस पर सारी की सारी बातें की जाएँ। ऑल दो यहाँ पर कुछ थर्ड पार्टी मीडिएशन बार बार आते रहे हैं, इवन यहाँ पर नेल्सन मंडेला ने भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मध्यस्थता करने के लिए अपने आप को सामने रखा था, बट हम लोगों ने उनको एक ही शब्द बोला, थैंक्स बट नॉट थैंक्स। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 14, खबर मिलती है अगला FAQ, क्लीनर एयर हायर कॉस्ट। यहाँ पे बात हो रही है BS6 के बारे में, भारत स्टेज 6 नॉर्म्स के बारे में। ओके, फर्स्ट स्टेज 6 नॉर्म्स जो कि मास एमिशन स्टैंडर्ड्स हैं अलग अलग क्लासेज ऑफ मोटर व्हीकल के, जो कि हमारे देश में April 1, 2020 के बाद आते हुए हम लोगों को नजर आएंगे। इंडिया ने एक बड़ा फैसला ये लिया है कि हम लोग डायरेक्टली BS4 नॉर्म्स से BS6 नॉर्म्स की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, हम लोग BS5 नॉर्म्स को स्किप कर रहे हैं। अब इसकी वजह से बहुत सारे इम्पैक्ट हो रहे हैं। सबसे पहले कि ये BS6 को क्लीनर फ्यूल हम लोग कैसे देख रहे हैं, देखो BS6 को आप लोगों को कंपेयर करना पड़ेगा BS4 से। सबसे बड़ा चीज़ है यहाँ पे सल्फर कंटेंट। सल्फर कंटेंट की बात करें तो BS4 के अंदर यहाँ पर 50 PPM एमिशन होता था, BS6 के अंदर 10 PPM एमिशन होगा, तो कम से कम यहाँ पर 80% के आसपास रिडक्शन हमें सल्फर कंटेंट के अंदर देखने को मिल रहा है। सल्फर कंटेंट के साथ साथ यहाँ पर जो पार्टिकुलेट मैटर है और यहाँ पर जो NOx है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोकार्बन्स हैं, बाकी सारे जो PM10 है, PM2.5 है, उनकी मात्रा भी कम होती हुई नजर आएगी इन दी रिलीज। अब यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि एकदम BS4 से BS6 में आ गए, उसके लिए इंजन के अंदर बदलाव आता है, तो यहां पर कंज्यूमर्स के ऊपर इसी का ही इंपैक्ट होगा। चाहे वो कमर्शियल हो या पैसेंजर व्हीकल्स हो, दोनों की ही प्राइसेस हम लोगों को बढ़ते हुए नजर आएंगे। जो पेट्रोल कार्स हैं उनके प्राइसेस अराउंड 20,000 से इंक्रीज हो जाएंगे, डीजल कार्स के 65,000 टू 90,000 से इंक्रीज हो जाएंगे और कमर्शियल हैवी व्हीकल्स के 2.25 लाख से इंक्रीज हो सकते हैं। डीजल कार्स के प्राइसेस अराउंड 90,000 से इंक्रीज हो रहे हैं, इसी वजह से मारुति सुजुकी ने एक बड़ा फैसला लिया कि वो डीजल कार अब यहां पर प्रोड्यूस नहीं करेंगे। यहाँ पर बात करें कि जो BS4 व्हीकल्स हैं जो कि ऑलरेडी मैन्युफैक्चर हो चुके हैं उनका क्या। देखो, देयर इज नो बार ऑन दी ऑपरेशन ऑफ एग्जिस्टिंग व्हीकल्स, जो अभी काम कर रहे हैं उनके ऊपर कोई बार नहीं है और कट ऑफ डेट के बाद भी वो वर्क कर सकेंगे, बट यहाँ पर उनके सेल के ऊपर रोक लगाई दी जाएगी और बहुत और यहाँ पर हमें चीज़ें आ सकती हैं। और हम लोगों ने देखा था कि BS4 जो व्हीकल्स हैं वो फेस्टिव सीजन्स के अंदर यहाँ पर उनके जो सेल है वो बढ़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि उनके रेट डाउन हो जाएंगे, क्योंकि जो यहाँ पर कंपनियाँ हैं
उनको अपना स्टॉक्स भी क्लियर करना है। शिफ्ट का मतलब क्या होगा, बेसिकली जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो तो इस पर्टिकुलर चीज़ से थोड़ी सी परेशान है, क्योंकि पहले ही ई व्हीकल्स का यहाँ पर दौर आने वाला है और उनके यहाँ पर जो सेल है वो भी कम हो रही है, उनको BS6 में यहाँ पर ट्रांसफॉर्म करना है, उसके लिए भी खर्चा आएगा। तो ये कुछ यहाँ पर बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जो कि परेशानी यहाँ पर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए बन रही हैं। पेज नंबर 14 की तरफ आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज़ जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। देखो, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग वाला इशू मैं लगातार आपके साथ डिस्कशन में ले रहा हूँ। निर्मला सीतारमन जी ने यहाँ पर बोला कि वी नीड टू गो बैक टू आवर बेसिक्स, और मैं आपको भी हमेशा यही कहता हूँ दोस्तों कि अगर आपके बेसिक्स मजबूत नहीं हैं, करंट अफेयर पढ़ने का मेन तरीका है कि आप लोग बेसिक्स पे गौर करो। बस मैं एक ही चीज़ आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट करूँगा कि इस चीज़ में मत रहो कि आपको जल्दी आपको सारा का सारा न्यूज़पेपर मिल जाए। थोड़ा लेट जरूर देता हूँ, बट आप क्वालिटी के ऊपर ज़रूर ध्यान दें। ओके, बेसिक्स कितने ज़्यादा आपके कवर होते हैं और क्वालिटी, ठीक है, आराम से पढ़ने की चीज़ें होती हैं करंट अफेयर। तो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, देखो नेम से आप समझो, जीरो बजट। जीरो बजट मतलब इनपुट कॉस्ट जो होगी वो होगी जीरो। अगला यहाँ पर जो वर्ड है वो है नेचुरल। नेचुरल मतलब केमिकल्स का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा, यही है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। और इसको यहाँ पर प्रमोट किया था महाराष्ट्र के एग्रीकल्चरिस्ट और पद्मश्री रेसिपिएंट सुभाष पलेकर जी। बोला था कि ग्रीन रिवॉल्यूशन मेथड के अल्टरनेटिव के रूप में यहाँ पर हम लोग इसको देख सकते हैं, क्योंकि ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंदर तो हम लोगों ने केमिकल फर्टिलाइजर्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, इन सब का इस्तेमाल किया था, और इन सब की वजह से जो हमारे फार्मर्स हैं वो डेट में आ गए थे, कर्जे में आ गए थे, और कर्जे के आने की वजह से उनके पास पैसे नहीं रहे थे। इसके लिए जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग प्रमोट करता है दो चीज़ों को, एक है यहाँ पे जीव मृथा। अब ये जीव मृथा क्या है, जीव मृथा के अंदर जो काव डंग होता है, गोबर होता है, उसको मिक्स किया जाता है गौमूत्र के साथ, देसी काव यूरिन के साथ, गुड़ के साथ, पल्स फ्लोर के साथ, पानी के साथ और सॉइल के साथ, और उसका इस्तेमाल यहाँ पर हम लोग करते हैं। ओके, एक तरीके से एक फर्टिलाइजर्स के रूप में उसका इस्तेमाल करते हैं, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। खास बात यह है कि यहाँ पर इंडियन वैरायटी ऑफ काओ का इस्तेमाल करना है। एक गाय आराम से यहाँ पर 30 एकड़ ऑफ लैंड के लिए एनफ होती है यहाँ पर। इसके साथ साथ एक और चीज़ है बीज मृदा। इस चीज़ का इस्तेमाल हम लोग इंसेक्टिसाइड के रूप में करते हैं, क्योंकि जब आप लोग यहाँ पर सीड्स को ग्रो कर रहे हो, जब सीड्स को आप लोग ग्रो करते हो तो उसको यहाँ पर कुछ इंसेक्ट्स अटैक कर सकते हैं, पेस्ट अटैक कर सकते हैं, चूहे वगैरह खा सकते हैं, तो उससे बचाने के लिए जो नीम की पत्तियाँ होती हैं, पल्प होता है, टबैको या ग्रीन चिली होती हैं, उनके साथ प्रिपेयर किया जाता है फॉर इंसेक्ट एंड पेस्ट मैनेजमेंट। साथ ही जो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग है वो प्रमोट करता है सॉइल एरेशन को, वाटरिंग यहाँ पर कम होती है, इंटरक्रॉपिंग, टॉप सॉइल मल्चिंग, डीप प्लगिंग, इरीगेशन इंटेंसिवली यहाँ पर हो, ओके वो ना हो, ओके डीप इरीगेशन ना हो, ओके कम पानी का इस्तेमाल हो, पर ड्रॉप मोर क्रॉप हो, उन सब चीज़ों का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ओके, मैंने आपको ये वाला आर्टिकल पहले पढ़ाया था, राइट हैंड साइड में एक पिक्चर आ रही है, यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हो सुभाष पालेकर जी की। और क्या हुआ है, जीरो बजट फार्मिंग क्यों ज़रूरी है, कि फार्मर्स डेट ट्रैप के अंदर फंस चुके हैं, कर्जे के साइकिल के अंदर फंस चुके हैं। ओके, और कर्जे के साइकिल के अंदर इतना फंस चुके हैं कि अकॉर्डिंग टू दी NSSO डेटा 70% जो एग्रीकल्चर जो हाउस होल्ड है वो अपने पैसे खर्च करता है, 70% ज़्यादा खर्च करता है जितना वो अर्न करते हैं यहाँ, और फार्मर्स डेट के अंदर आ जाते हैं। और कुछ जगह तो ऐसी हैं जहाँ पर 90% ऑफ फार्मर्स यहाँ पर इनडेटेड हैं। आंध्र प्रदेश तेलंगाना के अंदर 90% फार्मर्स ऐसे हैं जिनके पास 1,00,000 रुपये से ज़्यादा का खर्चा है। हम लोग चाहते हैं कि फार्मर्स के इनकम डबल कर दें बाय 2022, वो हम लोग कैसे करेंगे जब फार्मर्स इतने कर्जे में रहेंगे। तो इकोनॉमिक सर्वे इकोलॉजिकल एडवांटेजेस को भी यहाँ पर हाईलाइट करता हुआ हम लोगों को नजर आता है। तो क्या यह इफेक्टिव होगा, आंध्र प्रदेश के अंदर यहाँ पर स्टडी की गई और देखा गया 2017 के अंदर कि इनपुट कॉस्ट कम हुई है, इम्प्रूवमेंट हुआ है यील्डिंग के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर भी सेम चीज़ें हुई। तो हम लोग कह सकते हैं कि हाँ, अगर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो एक बेहतर चीज़ें हमारे सामने आ सकती हैं। ग्रीन रिवॉल्यूशन हम लोगों ने ट्राई किया, इसको भी हम लोग ट्राई कर सकते हैं। सिक्किम कितना सफल रहा है एज एन ऑर्गेनिक स्टेट, बजटरी सपोर्ट किया आया है। देखो, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कोई अलग से तो बजटरी सपोर्ट दिया नहीं है, बट यहाँ पर 2018 के अंदर जो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना रफ्तार वाली स्कीम थी, जो कि फ्लैगशिप ग्रीन रिवॉल्यूशन स्कीम थी, उसके लिए एलोकेट किए गए थे, और परंपरागत कृषि विकास योजना के अंदर यहाँ पर पैसे दिए गए थे। और भी बहुत ट्रेडिशनल मेथड्स को बढ़ाने के लिए सरकार पैसे देती है, उन्हीं का इस्तेमाल यहाँ पर जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के अंदर भी किया जाएगा। मूविंग ऑन पेज नंबर 15, साइंस एंड टेक वाला आर्टिकल, ओरिजिन ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखो, ये तीन आर्टिकल्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। पहला आर्टिकल कह रहा है फोटोसिंथेसिस के ओरिजिन के बारे में। रिसर्चर्स ने यहाँ पर स्टडी किया हेलियो बैक्टीरियम मोडेस्टी कल्डम को, जो कि एक एंशियंट बैक्टीरिया है,
जिसके अंदर यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर देखे गए हैं कि फोटोसिंथेसिस होता था, और वो यहाँ पर जो नॉर्मल फोटोसिंथेसिस हम लोग कहते हैं उससे भी ब्रिलियंस ऑफ ईयर एगो हम लोग कह सकते हैं कि पैदा शायद हो गया था, और ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस से पहले हो गया था। अब आपके लिए एक छोटी सी चीज़ यह है कि ऑक्सीजेनिक और ये एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस होता क्या है। अब देखो, जो हमारे जो प्लांट्स होते हैं, जो हमारे टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं, वो जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, जिसके अंदर वो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का और पानी का इस्तेमाल करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और यहाँ पर होता है क्लोरोफिल, और यहाँ पर हम लोगों को ऑक्सीजन बाहर निकलती हुई नज़र आती है, एज वेल एज ग्लूकोज बाहर निकलता हुआ नज़र आता है। इस प्रोसेस को आप लोग बोलते हो कि यह एक ऑक्सीजेनेटिक फोटोसिंथेसिस है, बिकॉज हमें ऑक्सीजन देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर एनऑक्सीजेनेटिक फोटोसिंथेसिस की अगर हम लोग बात करें, वो अक्सर यहाँ पर जो बैक्टीरिया होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं, और बैक्टीरिया यहाँ पर ऑक्सीजन वाली कंडीशंस में इस्तेमाल नहीं करते हैं क्योंकि पानी की कमी होती है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ यहाँ पर H2S का इस्तेमाल करते हैं। ओके, सल्फर का यहाँ पर यूज़ होता है, तो आउटपुट में भी हम लोगों को सल्फर निकलता हुआ नज़र आता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, जो मैंने अभी आपको बताया, इसको बोलते हैं एनऑक्सीजेनिक यहाँ पर फोटोसिंथेसिस, ऐसे कहते हैं। ओके, तो आज आपने एक और ये इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ी कि ऑक्सीजेनिक और इनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। नाउ मूविंग ऑन, अगला जो यहाँ पर आर्टिकल है वो है लव हार्मोन के बारे में, जिसको आप लोग ऑक्सीटोसिन के नाम से जानते हो, जिसको हमारे देश में बैन कर दिया गया है। ऑक्सीटोसिन का इस्तेमाल यहाँ पर खासकर फीमेल्स के अंदर यहाँ पर जो बिहेवियरल चेंज है वो लाने के लिए किया जाता है। हम लोग काओ बफेलो के अंदर इनका इस्तेमाल भी करते थे, जिससे यहाँ पर मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए, गलत इस्तेमाल हो रहा था, इसलिए सरकार ने बैन कर दिया। ह्यूमंस के अंदर भी इस्तेमाल होता है चाइल्ड बर्थ वाली सिचुएशन में और ब्रेस्ट फीडिंग वाली सिचुएशन के अंदर। यहाँ पर उसी चीज़ को एनालाइज किया गया माउस के कपल के अंदर, तो देखा गया कि ऑक्सीटोसिन की जो यहाँ पर एक्टिवेशन है वो यहाँ पर फीमेल माइस के अंदर ज़्यादा होती है, और वो कोरिलेट करता है एस्ट्रोजन की प्रेजेंस के साथ। के साथ साथ लास्ट जो आर्टिकल है, दैट इज़ टॉकिंग अबाउट द फाउंटेन ऑफ यूथ, यूथ के फाउंटेन के बारे में बात हो रही है। सेनेसेंट सेल्स जो हैं, दे आर दी अपोजिट ऑफ स्टेम सेल्स, मतलब जो सेनेसेंट सेल्स होते हैं वो डिवाइड नहीं कर पाते और किसी चीज़ के अंदर, स्टेम सेल्स डिवाइड कर सकते हैं, उनसे ऑर्गन्स भी बनाने की हम लोग बात कर रहे हैं। रिसर्चर्स ने देखा है कि जैसे एजिंग होती है, जो सिनेसेंट सेल्स होते हैं दे स्टॉप प्रोड्यूसिंग न्यूक्लियोटाइड्स, क्योंकि बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं हमारे डीएनए के, और जब वो यंग सेल्स होते हैं दे वर प्रिवेंटेड फ्रॉम प्रोड्यूसिंग द न्यूक्लियोटाइड्स, द सेल बिकम द सिनेसेंट सेल्स। मूविंग ऑन पेज नंबर 15, खबर मिलती है प्रिडिक्टिंग पॉल्यूशन लेवल यूजिंग द ओशियंस मेमोरी। जो रिसर्चर्स हैं यहाँ पर चाइना के, यूएस के, उन्होंने सक्सेसफुली यहाँ पर प्रिडिक्ट कर दिए हैं कि एयर पोल्यूशन लेवल इन नॉर्दर्न इंडियन स्टेट्स, और 75% उनकी एक्यूरेसी रही है। उन्होंने यहाँ पर पोल्यूशन प्रिडिक्ट करने के लिए कुछ मॉडल्स का इस्तेमाल किया, और वो यहाँ पर पोल्यूशन बता रहे हैं कि इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा है, पहले से ही सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड सिटीज़ इंडिया में हैं, टॉप 15 में से 14 सिटीज़ इंडिया में हैं, और यहाँ पर एल नीनो, एंटार्क्टिक ऑसिलेशन, अनोमलीज जो हैं सी सरफेस टेम्परेचर, उनको यहाँ पर स्टडी आउट किया गया। तो मॉडल यहाँ पर डेवलप किया गया है टीम द्वारा, जिससे पोल्यूशन को बिफोर विंटर्स ही हम लोग यहाँ पर एक तरीके से प्रिडिक्ट कर सकें। तो जो ओशन डेटा है, सर्व एज मेमोरी एंड लार्ज स्केल क्लाइमेट पैटर्न जो एलिनो के बेसिस पे हमारे सामने आए हैं। ऑल दो एंटार्क्टिक ऑसिलेशन डायरेक्टली इन्फ्लुएंस नहीं करते इंडियन क्लाइमेट को, बट इंडियन ओशियन मेरीडोना डाइपोल को वो इंपॉर्टेंटली इम्पैक्ट करते हैं। मैंने आपको बताया था कि ज्योग्राफी एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर कोई हवाएं अगर यूएस के अंदर बह रही हैं तो क्या पता उसका असर इंडिया के अंदर भी हो सकता है, बिकॉज एवरीथिंग इज लिंक इन ज्योग्राफी। मूविंग ऑन पेज नंबर 15, बीज यूज कॉम्प्लेक्स मेमोरी फॉर कम्युनिकेशन। अब यहाँ पर बीज के बारे में बात हो रही है, तो बीज एक डांस करती है, उसको बोलते हैं वेगल डांस। वेगल डांस में वो इस तरीके से घूमती हैं और इस हमें कुछ तरंगे पैदा होती हुई नज़र आती हैं, फ्रीक्वेंसी पैदा होती हुई नज़र आती हैं, जिसके वजह से वो अपने पार्टनर्स को अट्रैक्ट करती हैं और उनको बताती हैं कि वो उनसे कितना दूर हैं, और उनको डायरेक्शन भी देती हैं। उस पर्टिकुलर चीज़ को यहाँ पर रिसर्च किया गया। पेज नंबर 22, खबर मिलती है WHO रिकमेंड्स यूज़ ऑफ इनोवेटिव HIV ड्रग। यहाँ पर एक HIV ड्रग हमारे सामने आया है जिसका नाम है ड्रग डोलुटेग्राविर। ओके, उसको बोला गया है WHO द्वारा कि वो फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है सारी की सारी पॉपुलेशन के अंदर, इवन प्रेग्नेंट वुमेन और चाइल्ड बियरिंग मदर्स के अंदर भी, यहाँ पर जो पोटेंशियल है जिनकी चाइल्ड बियरिंग की, उनके अंदर भी यहाँ पर इस पर्टिकुलर ड्रग का HIV के रेडिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।
पेज नंबर 22 खबर मिलती है वैनिशिंग वाइल्ड लाइफ, 22 स्पीसीज हैव गॉन एक्सटिंक्ट इन इंडिया। तो 4 स्पीसीज हैं फौना की, 18 स्पीसीज हैं फ्लोरा की, जो कि हमारे देश में एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं पिछली सेंचुरी के अंदर। डेटा यहाँ पर लोकसभा के अंदर मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज द्वारा रखा गया। बोला गया कि इंडिया इज होम टू 11.5% ऑफ ऑल फ्लोरा इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द IUCN। और नई स्टडी यहाँ पर की गई कि 1750 के बाद यहाँ पर जो डबल नंबर यहाँ पर प्लांट्स के स्पीसीज के एक्सटिंक्ट होते हुए नजर आए हैं एज कम्पेयर टू बर्ड्स मैमल्स एंड एम्फीबियंस। 13 स्पीसीज हैं जो कि यहाँ पर खो गई हैं। मणिपुर के अंदर एक फर्न था लेस्टोपेसिस फटी, वो खो गया है। ओके, और यहाँ पर और भी चीज़ें हैं। ओके, रिसेंटली एक पाम स्पीसीज है जिसको डिस्कवर किया गया था इन म्यांमार एंड दी बंगाल रीजन बाय विलियम रॉक्सबर्ग, वो भी एक्सटिंक्ट हो चुकी है। मैमल्स के अंदर चीता की बात करें या सुमात्रन राइनोस की बात करें, वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं हमारे देश में। पिंक हेडेड डक की बात करें, उसके एक्सटिंक्शन का फेयर है सिंस 1950। हिमालयन क्वैल वॉज रिपोर्टेड इन 1876। तो फैक्टर्स जिस वजह से एक्सटिंक्शन हो रहा है, दे आर कॉम्पिटिशन, प्रिडेशन, नेचुरल सेलेक्शन और ह्यूमन इंटरफेरेंस। ओके, हंटिंग, डिग्रेडेशन, इसकी वजह से हम लोगों को एक्सटिंक्शन होता हुआ नजर आ रहा है। आज के न्यूज़पेपर में इतनी खबरें थी। कैसा लगा आप लोगों को, लाइक बटन दबाकर आप लोग मुझे बताना बिल्कुल मत भूलना। आपके लिए लेक्चर प्रिपेयर किया था बहुत ही दिल लगा के, तो आप भी दिल लगा के यहाँ पर इस वीडियो को शेयर करना। सो चलिए आज के लेक्चर को यहीं एंड करते हैं। सो लव एंड पीस फ्रॉम माई साइड। Thank you for having me here guys and have a good day ahead. Bye bye, take care.